हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है बायो लर्निंग पॉइंट पे और मैं हूँ प्रिया मिश्रा। दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू यहाँ पे सीएसआर का सीसीएमबी लैब, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद में है। उसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से शेयर करूँगी आपसे। बहुत इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को नहीं पता होगा, इससे रिलेटेड क्या एग्जामिनेशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ बताऊँगी। सो लास्ट तक बने रहे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, वो सारा चीज़। सो अगस्त सेशन की बात हो रही है यहाँ पे। दो सेशन में जो सीएसआर की लैब्स हैं वो एडमिशन लेते हैं, अगस्त एंड दिसंबर। सो ये अगस्त सेशन की बात है 2022 का। सो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद में है, एप्लीकेशन इनवाइट किया है इंडियन सिटीजन को। यहाँ पे देखिए क्लियरली मैंसन है, यदि आप इंडियन सिटीजन हैं तभी, टू परस्यू रिसर्च इन मॉडर्न बायोलॉजी लीडिंग टू पीएचडी डिग्री। द प्रोजेक्ट ऑफर्ड फॉर पीएचडी वुड बी ब्रॉड एरियाज लाइक सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी, इकोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजी ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन। सो ये सारा आप मैच कर लीजिए कि आपका रिसर्च का इंटरेस्ट जो है इन सारी चीज़ों से मैच करता है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इन सीसीएमबी। सो रिसर्च इंटरेस्ट, रिसर्च एरिया के स्पेसिफाइड करना कि आप पर्टिकुलर किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि पीएचडी में आप कैसे कहाँ अप्लाई करें, रेंडमली अप्लाई ना करें। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो कैंडिडेट्स विथ अ मास्टर डिग्री इन अ ब्रांच ऑफ साइंस और अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिसिन। सो यदि आप एमएससी किए हैं तो एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, मतलब जो साइंस, नॉर्मल साइंस लाइक जूलॉजी, बॉटनी, जो नॉर्मल साइंस से किए हैं, और जो टेक्नोलॉजी लाइक जैसे जो बीटेक किए हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड के लिए इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड मेडिसिन को ये बैचलर डिग्री पे जो है वो इन्वाइट किए हैं, और मास्टर डिग्री उनके लिए है जो डायरेक्ट जिनका टेक्नोलॉजी से रिलेशन नहीं है। और जो एवब क्राइटेरिया को फिलफिल कर करते हैं वो 23rd of May तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है। मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्क्रीनड एंड द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म अबाउट अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और रिमोट प्रोटेक्टर ऑनलाइन टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 5th June 2022। एक और जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, और टेस्ट का पैटर्न जो होता है, किस तरीके से होता है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो अभी बस ये जा रही है कि आप जब एक एग्जामिनेशन पास करेंगे तभी जाके आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल ऑल्सो रिसीव कॉल लेटर वाया ईमेल वंस द डेट फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू आर डिसाइडेड। सो आपके पास एक वैलिड एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होना चाहिए पीएचडी डिग्री के लिए, लाइक आपके पास जेआरएफ सिर्फ सीएसआर का होना चाहिए, यूजीसी डीबीटी आईसीएमआर डीएसटी इंस्पायर्ड फेलोशिप होना चाहिए। कैंडिडेट विथ अ बी बीटेक डिग्री बायोटेक्नोलॉजी और एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मस्ट हैव गेट स्कोर एट लीस्ट 85%। सो परसेंटाइल गेट का कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इतना परसेंटाइल इनका रिक्वायरमेंट्स है, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, बी फार्मा डिग्री कैंडिडेट मस्ट हैव अ जी पेड स्कोर ऑफ एटलीस्ट 85%। सो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द टेस्ट एंड हैविंग वैलिड फेलोशिप बाई 10th June फॉर पर्सिंग पीएचडी विल बी शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू एट सीसीएमबी इन द 2nd or 3rd week ऑफ द जून। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या डेट रहेगा, किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, देन ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स बताए हैं। सो यहाँ पे देखिए, द फेलोशिप मस्ट बी वैलिड इन द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। आपका फेलोशिप वैलिड होना चाहिए जब आप ज्वाइन करेंगे अगस्त 2022 में। एंड कैंडिडेट्स विथ लेक्चरशिप ऑनलाइन सी एस आई नेट एग्जामिनेशन और द एमएससी एमटेक एम फार्मा कैंडिडेट विथ गेट जीपेट विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। सो बस नेट वाले को यहाँ पे ये लोग नहीं इनवाइट किए हैं, तो ये भी जो डाउट है वो आप क्लियर करते जाइए। और नेक्स्ट चीज़ है, कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर ट्रेवल स्टे ईटीसी फॉर एग्जामिनेशन सेंटर और इन द हैदराबाद फॉर इंटरव्यू। सो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ये बताएंगे फॉर द रिटन टेस्ट बाय मेल,
और यहाँ पे इनका कहना है कि जो एग्जामिनेशन होगा वो सीसीएमबी के हैदराबाद में होगा, इंटरव्यू भी वहीं होगा। सो एक बार आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, देन इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। सो ट्रेवलिंग अलाउंसेस इज़ नॉट पेबल बाय सीसीएमबी। सो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। जो लास्ट टाइम इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन हुआ था वो ऑनलाइन मोड में हुआ था। सो कैंडिडेट क्वालिफाइंग बोथ प्रीलिमिनरी एंड फाइनल इंटरव्यू विल बी सेलेक्टेड फॉर पर्सुइंग ए पीएचडी एट सीसीएमबी मेयर फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट stipulated in the notification should not automatically entitle a person for selection, so the decision CCMB is regard shall be final। सो ये सारा चीज़ आपको बताया है सीसीएमबी का, यहाँ इंक्वायरी के लिए आप कर सकते हैं, ये मेल यहाँ पे गिवन है। तो ये सारा डिटेल्स था, आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और क्या चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट्स है वो देख लीजिए और फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीसीएमबी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लैब अब CSIR। सो आई होप यूज़फुल रहा होगा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर की। यदि आपको लगता है मेरा चैनल किसी तरीके से हेल्पफुल तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड विथ मी।